भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपना रोटी रथ फाउंडेशन अभियान चलाएगी। बता दें, फाउंडेशन भीख मांगने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भिक्षा नहीं शिक्षा सही अभियान चलाने जा रही है। अभियान को लेकर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश राठौड़ ने बताया कि जिंद शहर से इसकी शुरुआत की जाएगी। वह इन संस्था ने इस शहर में एक सर्वे करवाया है जिसमें जिंद में लगभग 180 नाबालिग बच्चे भीख मांग रहे हैं, जो हर रोज रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लाल बत्ती जैसे स्थानों पर भीख मांगते हैं। इन बच्चों में प्रवासी बच्चों की संख्या काफी है। संस्था इन बच्चों के माता पिता से संपर्क करेगी, बच्चों को शिक्षित करने के लिए जागरूक करेगी। अपना रोटी रथ जो निरंतर गरीब ऐसा है कमजोरों को भोजन सेवा दे रहा है, अब उस भोजन सेवा के साथ साथ अपना रोटी रथ हरियाणा में एक अभियान की शुरुआत कर रहा है कि हमारे प्रदेश के अंदर जो नाबालिग बच्चे भीख मांगते हैं उनको भिक्षावृत्ति से दूर करके और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए अपना रोटी रथ आगे निकल के आया है। और हमने संस्था ने एक जींद शहर से इस अभियान की शुरुआत करी है और हमने पूरी टीम ने यहाँ सर्वे किया है तो लगभग जींद शहर के अंदर 180 बच्चे ऐसे हैं जो रूटीन में भीख मांगते लेकिन स्कूलों में नहीं जाते। उन बच्चों को अब धीरे धीरे संस्था बच्चों के पेरेंट्स से मिलेगी और उन पेरेंट्स को इस चीज के लिए जो है राजी करेगी कि बच्चों से आप जो भीख ना मंगवाएं